अब हम लोग देखेंगे ये 5 मेगावाट का जो ट्रांसफार्मर है, इसके पार्ट्स के बारे में या और भी बहुत सारा कुछ कुछ नया नया पार्ट्स जो हम लोग गांव में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखते हैं उससे कुछ ये अलग अलग पार्ट्स भी दिखाई देता है। तो आज हम लोग देखेंगे ये ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, इसमें बड़ा है उसमें छोटा रहता है। तो ये पार्ट्स में हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला हमारा टंकी है, कंजर्वेटर। हाँ, कंजर्वेटर टंकी का तेल को नियंत्रित करने के लिए अपना वो है। आई है आई सिलिका जेल है मेरा, इसको नाक बोला जाता है, श्वास नमी को सोखने के लिए ये अपना। और यहाँ ये देख रहे हैं ये मेरा टेम्परेचर करने वाला है, यानी कि गेज मीटर है, टेम्परेचर अप डाउन बताएगा कि कितना इसमें थी है, कितना ट्रांसफार्मर कितना हीट हुआ है, टेम्परेचर बताएगा। ये मेरा एयर वाला है, एयर पास करने के लिए, इसको कूलिंग करने के लिए ऊपर से आएगा तेल और फिर कूलिंग करके फिर भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रांसफार्मर। एक होता है आपका तेल का हो गया जी, एक टेम्परेचर हो गया इसे तापमान वाला वो वाला। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये दो दो 5 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि दो क्यों लगा हुआ है, आखिर ये दोनों का काम क्या है। ठीक है, तो सर थोड़ा बताइए इसमें। दोनों का काम एक ही है लेकिन सुविधा के वजह से लगाया गया। मान लीजिए कि भविष्य में, अभी तो फीडर कम है, भविष्य में अगर फीडर बढ़ता है तो लोड बढ़ेगा तो एक ही ट्रांसफार्मर तो काम होगा नहीं, इसलिए लोड को बांटने के लिए दो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग कभी कभी सुनते हैं गांव में कि हाँ ट्रांसफार्मर पर बहुत ज़्यादा लोड है, लाइन नहीं मिल रहा है, कहीं इस फीडर का कटा हुआ है, कहीं उस फीडर का कटा हुआ है, तो इसके लिए पहले ही से जो व्यवस्था किया गया है, दो दो ट्रांसफार्मर का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि कहीं भी ये लाइन जो है एक डिस्टर्ब हो या कहीं लोड बढ़ जाए, लोड बढ़ जाए तो हम ये दूसरे ट्रांसफार्मर से पैरेलली ऑपरेशन करके, ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करके और लोड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या लोड मान लीजिए हमारे यहाँ 5 kVA का ही है, 5 मेगावाट का ही है, तो 5 मेगावाट का है लेकिन ये किसी में एक ट्रांसफार्मर में कहीं फॉल्ट आ जाए तो गांव में फिर अंधेरा हो जाएगा, या फिर यहाँ 33 kVA आकर के हमारा व्यर्थ जाएगा। तो इसके लिए एक पहले से ही व्यवस्था किया गया है कि दूसरे ट्रांसफार्मर कर लगा करके उसके द्वारा हम लोग आउट करेंगे। तो यहाँ फिर अब ये देख रहे हैं, ये सब मेरा 11 kVA का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका मेन स्विच है ये सब। अच्छा, यहाँ से ये 33 को डाउन करके, डाउन करके 11 करके दिया, 11 कर, मान लीजिए कि यहाँ से काम करना है, मिस्त्री काम करेगा, यहाँ से अंदर से बंद करके यहाँ से स्विच हटा दीजिए, स्विच हटा, ये स्विच है एक तरह से मेन स्विच है मेरा। मान लीजिए 33 बना के वो दे दिया पैनल में अपना, वो काम कर दिया, ये मेरा मेन स्विच है। मान लीजिए कि किसी को मिस्त्री को शट डाउन दे तो वहाँ से हम अपना लाइन ट्रिप कर देंगे, वहाँ से बंद करना मैनुअली है, वहाँ ज़रूरी है कि आपको बंद करना है, नहीं कि डायरेक्ट यहाँ आपके स्विच हटाइएगा तो कोई आघात हो सकता है, घटना, यानी कि स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ से बड़ी बात है कि स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे तो, और वहाँ जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है अपना, वहाँ से अपना बंद करिए, यहाँ से अपना स्विच हटा दिए, और ये मेरा मेन स्विच है, ये अर्थिंग है मेरा, अभी लो हो जाता है शुरू से बताइएगा। ये मेरा दोनों का कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर का होता है काम की माने क्षमता को बरकरार। मान लीजिए रात को ठंडे में कोहरा ज़्यादा गिरे तो उसके टेम्परेचर को मतलब लेवल में रखने के लिए अपना एक समान उसको कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि पावर फैक्टर लो हो जाता है, पावर फैक्टर लो हो जाने के बाद ये कैपेसिटर बैंक हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। जैसे लाइन में ही पावर फैक्टर जब कम हो जाए तो यहाँ बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने लगता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ व्यवस्था लगा हुआ रहता है कैपेसिटर बैंक, और इसको क्या करते हैं हम लोग पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। कि ये गिट्टी बिछाया हुआ है, ये नाला बनाया हुआ है, ये जहाँ तहाँ पानी का ये दिखाई दे रहा है, ये सब थोड़ा इसके बारे में बताइए। गिट्टी इसलिए डाला जाता है कि मान लीजिए कि अभी देखिए वहाँ गिट्टी न डालने के कारण घास उग गया है, तो मान लीजिए कि इसमें घास उगेगा तो करंट कभी आ सकता है, माने परेशानी होगा, उस सुविधा के लिए इस गिट्टी का प्रयोग, ताकि घास या कुछ हर ना हो, मतलब अचानक बना के अच्छा, मतलब जाने में कभी बारिश भी हो जाए तो जाने में सुविधा, और ये करंट का ये है मेरा
अर्थिंग का जो पानी डालने के लिए इसका प्रयोग, मान लीजिए अर्थिंग है तो उसमें पानी डालना जरूरी है, तो पानी डालने के लिए टंकी बनाए गए हैं। जैसे अभी गर्मी के दिनों में पानी का नमी कम हो जाता है, उसके लिए तो इसके लिए नल बनाया हुआ है, पानी डाल करके अर्थिंग को, और ये मेरा रेजिस्टेंस कम करते हैं। हाँ, ये मेरा अर्थिंग है। मान लीजिए अर्थिंग लगाया जाता है कि कभी अचानक कहीं फॉल्ट होता है, चाहे मान लीजिए कि मिस्टेक से कोई, उसको अर्थिंग को अपने ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग प्रयोग, लीकेज करंट को कम करने के लिए। ये होता है क्या, लीकेज करंट, बॉडी अर्थिंग जो देते हैं लीकेज करंट को कम देने, कम करने के लिए। ये टंकी बनाया गया, ये तो मान लीजिए पानी वाला, ये मेन टंकी है, अंडरग्राउंड जितना भी वायर है मेरा, यहाँ से मेरा वायर कंट्रोल रूम में गया है, जितना सब इसके थ्रू गया है। ये जो बड़ा बड़ा नाला जो देख रहे हैं हम लोग, ये नाला पानी के लिए नहीं है, ठीक है, इसमें है केबल के लिए। यहाँ से जो भी ये ट्रांसफार्मर या ये 11 के भी या 30 के भी जो जाता है, ये नाला से ही, ड्रेन से ही जाता है केबल, मोटा मोटा केबल। अब इसके बाद ये ड्रेन से सीधा वो दिखाई दे रहा है कि पैनल में जा रहा है। अब ये चलेंगे हम लोग कंट्रोल रूम के बारे में थोड़ा देखेंगे कैसे।